कुछ खेले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लोहड़ी के उपलक्ष पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेके आए हैं। ये है गच्चक, गच्चक का पैकेट, और ये है मूंगफली जो आज खानी बड़ी शुभ मानी जाती है। मूंगफली लेके आए हैं ये, पहले गच्चक, और ये डिपू का राशन है। इसमें है चीनी, ये डालडा घी, रेवड़ियां मूंगफली के साथ खाने के लिए, और एक गुड़। हम जो है सर्दियों में गुड़ का हलवा जो है बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये गुड़ लाए हैं साथ में, और डालडा घी भी इसी के लिए। कई लोग देसी घी का भी बनाते हैं, जिनके पास बहुत होता है तो वो उसका भी बना लेते हैं, लेकिन हम डालडा घी का खाते हैं। और ये रिफाइंड ऑयल, किंग सोयाबीन ऑयल, और फिर और थी गोभी की सब्जी। लेके आए हैं बाकी जो डिप्पू का दाल वगैरह, आटा चावल वो लाए हैं साथ में। चाय मैंने बना ली थी और मैं चाय लेके रूम में जा रही हूँ, दे दूंगी सबको। आइए चाय पीते हैं। आज से जो माह का महीना शुरू हो गया, आज साजा है, तो साजे के ओकेज़न पर जो है हिमाचल में जो है खिचड़ी बनाई जाती है, तो उसके लिए मैंने माह की दाल जो है कुकर में डाल दी है। उड़द भी बोलते हैं इनको, तो मैंने कुकर में डाल दी है। अब इनको 4-5 स्टीम लगने दूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ खिचड़ी बनाने की जो है विधि शेयर करूँगी। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें चावल, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक और गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको हल्का हल्का बीच बीच में हिलाऊंगी ताकि हमारी खिचड़ी जो है नीचे ना लगे, और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तब मैं इसको ढक्कन से बंद कर दूंगी। दाल चावल जो है मैंने मिक्स कर लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा उबाल आने दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगाऊंगी। इससे जो है, ऐसा करने से जो है हमारी खिचड़ी जो है खिली खिली बनती है। अभी जो है हमारी खिचड़ी में थोड़ा उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब मैं ढक्कन बंद कर लूंगी। कलर जो आ चुका है, ये बिना तड़के वाली खिचड़ी होती है इस साजे में जो बनाते हैं। सभी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम इसको बिना तड़के से बनाते हैं। सीधे ही सारी चीज़ें दाल और चावल में मिला देते हैं। तो देखिए, अब इसमें उबाल जो है आने ही वाला है, तो मैं फिर इसको बंद कर दूँगी। अब जो है मैं कुकर का ढक्कन जो है लगा लूँगी, फिर मैं इसको स्टीम आने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। ढक्कन जो है मैंने बंद कर लिया है, और गैस को मैंने सीम कर दिया है ताकि ये सीम फ्लेम में पके और अच्छे से घुल जाए। तो अब मिलूँगी थोड़ी देर बाद।
और ये होगी मेरी प्लेटिंग। तो अब डालेंगे हम इसमें देसी घी। हम जो है हिमाचली घी जो है खुल के खाते हैं और पचा भी लेते हैं। और ये देखिए, आइए खिचड़ी खाते हैं। थैंक यू सो मच।